अयोध्या में पूर्व मंत्री और सपा के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा पशुओं से आम जनमानस त्रस्त है, भ्रष्टाचार चरम पर है और सरकार सिर्फ जमा जुबानी तक सीमित हो गई है। वहीं समाजवादी पार्टी बजट सत्र में आम जन के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष होगा। अवधेश प्रसाद ने कहा कि छुट्टा पशु अब फसल ही बर्बाद नहीं कर रहे बल्कि किसानों की जान लेने पर आमदा हैं। कई सालों से यह मुद्दा उठाया जा रहा है लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वहीं जनहित की योजनाएं फाइलों में कैद हो गई हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के ही अयोध्या जिले में 2000 से ज़्यादा आवेदन लंबित हैं। किसान के घर गेहूं नहीं बचा और आटा 40 रुपए किलो बिक रहा है। पूर्व मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य का हाल तो और भी बदतर है, अस्पताल में 50% दवाएं हैं ही नहीं, 56 के सापेक्ष केवल 20 चिकित्सक की तैनाती है, जबकि साल 1996 में ही जिला अस्पताल में 46 डॉक्टर थे। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली है। 4 महीने से बीपी मशीन खराब है। सरकारी दावों के विपरीत हाल ये है कि 6 महीने से ग्लूकोज की बोतल तक मरीजों को नहीं मिल रही है। लगातार हम सड़कों से लेकर विधानसभा तक संघर्ष कर रहे हैं और विधानसभा सत्र आहूत होने जा रहा है। इस सत्र में भी किसानों की इस कठिनाई और समस्या को लेकर खेती को बचाने के लिए साणों से, छुट्टा जवानों और सवारा जानों से किसानों की फसल को बचाने के लिए विधानसभा में जबरदस्त तरीके से लोकतांत्रिक पद्धति के आधार पर इस मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ हम और हमारी पार्टी माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम पहले दिन ही इसको उठाएंगे मजबूती के साथ।